YouTube के इस ऑनलाइन चैनल पर आज हम बात करेंगे थर्मल इंजिनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूनिट 4 का है। जनरली यूनिट 4 के अंदर हम एयर कंप्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी इस पर मैंने दो वीडियो लेक्चर आपको अपलोड कर रखे हैं, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट एंड रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर के बारे में बताया कि ये होता क्या है, इसके मेन मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसका सिंपल सा फंक्शन आपको एक्सप्लेन किया है। अब उसी में हम क्लासिफिकेशन जो है आज डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर जो है ये तीन तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला होता है हमारा सिंगल स्टेज वाला, दूसरा होता है हमारा डबल स्टेज एंड थर्ड होता है मल्टी स्टेज। तो जैसे जैसे हम स्टेजेस बढ़ाते जाते हैं जो प्रेशर हमें मिल रहा है वो बढ़ता जाता है, जो एयर का प्रेशर हमें बढ़ता जाता है। तो जनरली ये जो आपका रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर है ये एयर को कंप्रेस करता है, मतलब लो प्रेशर एयर को हाई प्रेशर एयर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। तो सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर को पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर क्या होता है, मतलब सिंगल एक्टिंग का क्या मतलब है। तो सिंगल एक्टिंग का सीधा सा मतलब है हैविंग प्रेशर अप्लाइड ओनली टू वन साइड ऑफ पिस्टन। जनरली जो हम प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं वो एक ही साइड पिस्टन के अप्लाइड कर रहे हैं बस, और एक ही पिस्टन उसके अंदर लगा हुआ है। मतलब सिंगल स्टेज का क्या मतलब होता है, एयर इज टेक प्लेस अ सिंगल साइड ओनली। जो है एयर अगर आप ले रहे हो तो एक टेक प्लेस मतलब सक्शन जो ले रहे हो वो एक ही साइड से आप ले रहे हो, तो इसलिए इसको हम सिंगल स्टेज भी बोलते हैं। एक ही स्टेज में आप प्रेशर जो है वो ले रहे हो, ठीक है। अब इसमें हम समझते हैं कि इसकी जो बेसिक जो है टर्मोलॉजी क्या होती है इसके अंदर। तो जैसे कि बात करेंगे सिंगल एक्टिंग मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर, ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे सबसे पहले इन अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर द सक्शन कंप्रेशन, जैसे कि एयर कंप्रेसेस द सक्शन कंप्रेशन एंड डिलीवर ऑफ एयर टेक प्लेस इन टू टू स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। तो जनरली इसमें दो स्ट्रोक ऑफ पिस्टन में ये पूरी कंप्लीट होती है प्रोसेस, और वन रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, और जो क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्व होता है वो एक पूरा 360 डिग्री रिवॉल्यूशन उसका होता है। तो एक ही सिलेंडर के अंदर जनरली ये होता है, एक ही सिलेंडर के अंदर पिस्टन, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे ये एक ही सिलेंडर है, एक ही सिलेंडर के अंदर ये पूरी प्रोसेस होगी, इसलिए इसको सिंगल स्टेज भी हम बोलते हैं। जिसमें जैसे कि नीचे जो हो जाएगा आपका BDC हो जाएगा, ठीक है, ऊपर होगा TDC, तो नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे एक बार नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो एक बार में यानी दो स्ट्रोक में ये प्रोसेस कंप्लीट होगी और एक रिवॉल्यूशन होगा। उसके बाद उसको हम वो जो एयर है उसको फिर हम कहाँ पहुँच देंगे, उसको स्टोरेज टैंक के अंदर उसको पहुँचा देंगे। तो जनरली सिंगल एक्टिंग जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होता है उसमें टू स्ट्रोक ऑफ पिस्टन होता है, टू स्ट्रोक करता है पिस्टन, जिसमें TDC टू BDC जाता है और BDC टू TDC फिर जाता है ना, तो वन रिवॉल्यूशन ऑफ शाफ्ट जिसमें होता है। आपको अभी मैं इसको डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे जहाँ यहाँ पर सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर, ठीक है, सिमिलर नेम है बस इसमें स्टेजेस का बात कर दिया। तो स्टेज का जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयर जो हम लेते हैं, एयर टेक प्लेस इन सिंगल साइड बोल सकते हो या सिंगल सिलेंडर में एयर को हम एंटर करते हैं। तो इन सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर द कंप्रेशन ऑफ अ एयर टेक प्लेस इन सिंगल सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर में हम उसको लेते हैं अंदर। इन द फर्स्ट स्ट्रोक इट सक द एयर फ्रॉम द एटमोस्फेरिक प्रेशर। जनरली जो फर्स्ट स्ट्रोक में क्या करेगा, एयर को सक करेगा, जो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर जो होगा उसका वो अंदर आएगा। एंड इन द सेकेंड स्ट्रोक इट कंप्रेसेस इट, और उसके बाद सेकेंड स्ट्रोक में क्या करेगा, उसको कंप्रेस कर देगा एंड डिलीवर टू इट द स्टोरेज टैंक, और उसके बाद उसको स्टोरेज टैंक में डिलीवर कर देगा। तो जैसा कि हम हमारे व्हीकल्स में जो हवा फिल करवाने जाते हैं, जो सिंपल सा जो कंप्रेशर रखा होता है वो सिमिलर इसी टाइप का होता है, ठीक है। अब उसमें अगर डबल स्टेज होगा तो उसमें दो सिलेंडर का अरेंजमेंट करेंगे, मतलब दो सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट करेंगे, अगर सिंगल होगा तो उसमें सिंगल सिलेंडर का हम पिस्टन का अरेंजमेंट करेंगे। सिंपल सा ये फंक्शन है, मतलब अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है तो आपको जो है डबल फिर मल्टी की तरफ आप जाओगे। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका स्टेजेस जो है वो बढ़ती जाएंगी। अब इसके वर्किंग को हम समझते हैं, एक सिंपल सी वर्किंग है उसको हम आसानी से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होगे ये जो वर्किंग है इसको मैं डायग्राम की मदद से भी आपको समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे होगे, डायग्राम बने हुए हैं दोनों, और इसकी वर्किंग को जो कि है सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इसको हम समझेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और उसके बाद साथ साथ इसमें देखते जाते हैं। जनरली यहाँ पर मैंने दो एक ही प्रोसेस को दो बार डिफाइन किया, मतलब जब आप इनको प्लस करोगे, मतलब मैंने एक स्ट्रोक इसमें लिया है एक स्ट्रोक इसमें लिया है, दोनों है एक ही कंबाइंड प्रोसेस, एक ही पिस्टन सिलेंडर के अंदर होगा, लेकिन मैंने आपको एक स्ट्रोक यहाँ पर ले ली, एक स्ट्रोक यहाँ पर ले ली, ठीक है। जिसमें एक में मैं सक्शन बता रहा हूँ, एक में आपको कंप्रेशन ऑफ एयर बता रहा हूँ। अ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर
इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म है ना कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर पिस्टन इनलेट एंड डिस्चार्ज बॉल। तो जनरली ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है इसमें, और एक होता है आपका क्या, ये होता है इनलेट और ये होता है आपका डिस्चार्ज बॉल। तो डिस्चार्ज बॉल क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो आपका हाई होता है और इनलेट पे आपका प्रेशर कम होता है, ठीक है। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ अ कंप्रेशर वी फाइंड दैट व्हेन द पिस्टन मूव डाउनवर्ड। अब देखो इसके जो प्रोसेस है उसको समझते हैं। जब पिस्टन जो है आपका डाउनवर्ड जाएगा यानी नीचे जाएगा, नीचे मतलब बॉटम डेड सेंटर पे जाएगा, द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर फॉल। उसके बाद क्या होगा, जो अंदर का जो प्रेशर है वो फॉल हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है, बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसके बाद ये जो अंदर का जो आपका प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जो कि कम है उतना नीचे अंदर जो है चला जाएगा, जिससे पिस्टन जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस द इनलेट बॉल गेट ओपन एंड एयर इज सक इन टू द सिलेंडर। तो जैसा कि अंदर का जो आपका प्रेशर है वो कम होगा तो क्या होगा, जो पिस्टन है आपका नीचे जाएगा और ये इनलेट बॉल जो है वो ओपन होगा। इनलेट बॉल जैसे ही ओपन होगा तो एयर इसके अंदर आएगी, ठीक है, अनटिल द पिस्टन कंप्लीट द आउटवर्ड स्ट्रोक। जब तक कि कब तक होगा, जब तक कि ये दोबारा रिटर्न स्ट्रोक ना करने लगे, मतलब हम इस पर जब तक प्राइम मोटर के द्वारा वर्क ना करें, मतलब ये नीचे तक प्रॉपर ना पहुंच जाए, जब तक इसके अंदर एयर जो है वो अंदर आएगी। उसके बाद नाउ व्हेन द पिस्टन मूव अपवर्ड, उसके बाद जैसे ही हम पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे, अब देखो ये जो प्रोसेस हुई आपकी अपने आप, ये जो प्रोसेस हुई उसके बाद अब इस पर हम वर्क डन करेंगे कुछ मोटर, प्राइम मोटर के द्वारा इस पर हम वर्क करेंगे, जिससे क्या होगा आपका ये पिस्टन अपवर्ड जाएगा। तो हम इस पर प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं, द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर goes increase till it reaches the discharge pressure, और इसके बाद इसका प्रेशर जो है वो राइज हो जाएगा। तो ये जो पहली प्रोसेस हुई इसमें आपके क्या हुआ, सक्शन वाली प्रोसेस हुई, और इसमें जो है हमने क्या किया, पिस्टन के ऊपर वर्क किया, वर्क करने के बाद इसमें जो एयर थी है ना, जो गैस थी आपकी, उसको हमने कंप्रेस किया। तो ये जनरली जैसे कि हम बात करें जो कंप्रेसिबल फ्लूड्स है या कंप्रेसिबल गैस है जो कि कंप्रेस होगी एयर, ठीक है, ये इतना होगा और प्रेशर जो है डिस्चार्ज प्रेशर उसका राइज हो जाएगा। एट द स्टेज द डिस्चार्ज बॉल गेट ओपन, उसके बाद हम जो डिस्चार्ज बॉल है उसको ओपन कर देंगे एंड एयर इज डिलीवर्ड टू द कंटेनर, जो स्टोरेज टैंक है उसमें हम इसके जो पूरी जो आपकी जो गैस जो बनी हुई है या एयर जो आपकी बनी है कंप्रेस्ड एयर, उसको आप डिलीवर कर दोगे द हेल्प ऑफ पाइपलाइन की मदद से, ठीक है, और उसके बाद उसका यूटिलाइज कर लोगे जहां भी उसको आप यूजेस करना है। तो बहुत जगह इसकी एप्लीकेशंस होती है, न्यूमेटिक ड्रिल मशीन होती है ना, उसके बाद आपका जैसे कि लिफ्ट वगैरह, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि हम जो साइकिल में एक नॉर्मल जो पंप आता है उसको भी हम वो सिमिलर इसी टाइप का होता है ना, एक छोटा सा पंप जो होता है उसमें क्या करते हैं हम, पिस्टन सिलेंडर लगा होता है, पिस्टन को जैसे ही आप उसको खींचते हो है ना, तो वो एयर को सक कर लेता है, फिर अंदर उसको आप डालते हो किसके अंदर, जैसे कि जो टायर है टायर के अंदर लगाते हो, तो वो क्या करता है उसको पुश करता है, उसके प्रेशर को जो है वो बढ़ा देता है। तो इस टाइप से एक सिंपल उसकी प्रोसेस है। तो ये जो है आपका ये जनरली सिंगल स्टेज है जिसमें मैंने एक ही पिस्टन सिलेंडर उनको अलग अलग टाइप से बताया, तो यहाँ पे प्लस लिखा है मतलब ये कंबाइंड है। इसमें एक प्रोसेस मैंने बताई, मतलब ये एक स्ट्रोक लिया और इसमें दूसरा स्ट्रोक, तो पहले स्ट्रोक में जैसे TDC टू BDC जाएगा, फिर BDC टू TDC जाएगा, तो BDC TDC में क्या हो रहा है, ये इसको कंप्रेस कर रहा है और इसमें ये क्या कर रहा है, एयर को इंटर कर रहा है। तो सक्शन ऑफ एयर एंड कंप्रेशन ऑफ एयर, इट इज़ अ कंबाइंड प्रोसेस, ठीक है, तो इसलिए इसको सिंगल स्टेज हम क्या बोलते हैं, एयर कंप्रेशर, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा इसकी प्रोसेस, वेरी सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछ लेता है ये कि इसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन करो इन डिटेल में और इसके बारे में समझाइए। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इससे जुड़े हुए जैसे वर्क डन के बारे में, इसकी इफिशेंसीज के बारे में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इसके अंदर जनरली हम यूज़ करते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए, टेक्निकल चीज़ें इसको अब एक्सप्लेन करेंगे और जिसमें हम उसके बाद फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रेसिप्रोकेटिंग के अंदर, सिंगल स्टेज जो है आपका, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके RGPB एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, साथ ही साथ अगर कहीं आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ तैयारी कर रहे हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत से छोटे मोटे क्वेश्चन मिलते हैं। जनरली इट इज़ अ पार्ट ऑफ, आप बोल सकते हो IC इंजन की जो वर्किंग प्रोसेस होती है सिमिलर होती है इसकी। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस YouTube लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगा हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ विद मिनिमम मेरे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम जो है आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकूँ। और अगर आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और भी ज़्यादा इस पर सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो कि यूनिट 4 का पार्ट है।